अब आप सोचो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है तो गांव का आम आदमी किस तरह के शोषण का शिकार हो या उसके अधिकारों पर किस तरह उठाघात किया जा रहा हो। मैं आपसे अपील करूंगा, ये जो सरकार है इसका चरित्र ऐसा है कि ये सिर्फ वोट से डरती है। जो सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार हमें दे रही वो अलग से क्या दे देगी। शारीरिक कमजोरी शारीरिक गुलामी तो समझ आती है, लेकिन आज हम शारीरिक गुलामी के शिकार नहीं मानसिक गुलामी के। ना तो जिंदगी इन्होंने दी है ना ही मान सकते हैं, मौत एक दिन आएगी सुनिश्चित है। अगर हमारे लोग दलित पिछड़े वर्ग के लोग वोट नहीं देते बन जाते मुख्यमंत्री, अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाएंगे, समझ रहे हो। सच ये है, लेकिन हमारे लोग गुलाम बन गए गोंगे बहरे। अगर आप डटे रहे ना तो ऐसे जैसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़े थे ना आपको याद है किसानों के आगे, अगर मुख्यमंत्री आपके आगे हाथ ना जोड़े तो मैं राजनीति करना छोड़ूंगा। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी का अधिकार छीनने की लड़ाई नहीं, आपने जो मेहनत करके और आपके माता पिता ने जो एक एक पैसा जुटा के आपको इस काबिल बनाया कि आप कंपटीशन पास करें और रोजगार करें, और जब आपको आपने अपनी मेहनत से कंपटीशन पास भी कर लिया और आप रोजगार के करीब भी आ गए तो सरकार और उनके षड्यंत्रों ने आपसे आपकी नौकरी छीन ली। मैं चाहे देश के किसी भी कोने में रहूं लेकिन जब जब आपके आंदोलन चलते हैं मैं आप लोगों को देखता रहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि नेताओं के साथ साथ मेरी शिकायत ये समाज से भी है। इतना बड़ा समाज है हमारा उत्तर प्रदेश में, अगर एक बार भी समाज अंगड़ाई ले लेता तो मुख्यमंत्री जी उसी दिन मान लेते। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझते हैं कि भाई ये बहुत समझदार लोग नहीं और इनके लोग भी इनके साथ नहीं है। चाहे इनके ऊपर लाठी चला लो, चाहे इनको गाली लेके अपमानित कर लो, चाहे इन बच्चों के कपड़े फाड़ दो, चाहे मारपीट करो, चाहे अपशब्द कहो, चाहे उठा के फेंक दो, चाहे थाने में पकड़वा दो, इनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। देखो शारीरिक कमजोरी शारीरिक गुलामी तो समझ आती है, लेकिन आज हम शारीरिक गुलामी के शिकार नहीं मानसिक गुलामी के शिकार। ना हम अपने संख्या बल को समझते हैं और ना ही हम अपने दिमाग का सही प्रयोग करते हैं। अभी बिहार में जातिगत जनगणना हुई और आप सबने देखा होगा कि 90% से ज्यादा आबादी बिहार में दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान जैन सिख बौद्ध यानी के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग की। यहां 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण पास हुआ आपने देखा। अब जिनके लिए हुआ उनके समाज ने शायद एक दिन में आंदोलन ना किया हो, लेकिन हमारे नेताओं ने बढ़ चढ़ के उनका समर्थन किया। कोई कहता 20% मिलना चाहिए। अब ये जो आंकड़े आए इनसे क्या पता लगा कि उनकी आबादी 10% भी नहीं है। 10% आबादी नहीं है और 10% रिजर्वेशन मिल गया है, तो यानी कि जो बच्चा अभी बालिक भी नहीं है उसके लिए भी नौकरी का इंतजाम हो गया। और आपकी आबादी 90% है और जो हिस्सेदारी आपको मिली है 49.5% उसको भी ये लोग छीन ले रहे हैं। तो इसका मतलब जो नेता यहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या उत्तर प्रदेश से चुन के जाके जो लोकसभा में बैठे हैं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ का काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वास्तविकता में वो समाज के लिए राजनीति कर रहे होते तो आपकी लड़ाई लड़ते, आपको क्यों बैठने देते। आपने तो वोट दिए ना उनको, वो यहां आपकी जगह खुद बैठते, आपको कहते बहनों आप घर में जाके बैठो, हम लड़ेंगे ना लड़ाई। आपने हमें चुना है, हम आपके नेता हैं, आप हमें वोट देते हो, वोट सबसे शक्तिशाली होती है, करोड़ों रूपये से कीमती होती है वोट, आप क्यों लड़ोगे, हम लड़ेंगे। लेकिन बुरा यह है उत्तर प्रदेश में कि जितने नेता हमने निर्माण किए वो बेचारे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और अपनी राजनीति व्यक्तिगत राजनीति के इतर समाज के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे। परिणाम यह है कि आपको 530 दिन से लड़ना पड़ता। अब बुरा यह है कि लड़ाई कब तक चलेगी। मैंने इनसे भी कहा कि अब इसका अंत होना चाहिए। अंत का तरीका यह है कि क्या तो हम इस लड़ाई को छोड़ दें पीछे हट जाएं या फिर हम इस सरकार से लड़ाई जीत लें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरी चाय आ गई, धन्यवाद बहुत बहुत। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, विधानसभा घिराव का निर्णय लिया कि हम विधानसभा घिराव देखो बंद करो, दरवाजा में नहीं आए हो। पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग, तो
आपसे तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, आपने तो कंप्लीशन पास किया। अब आप सोचो जब पढ़े लिखे लोगों के साथ ये हाल है तो गांव का आम आदमी किस तरह के शोषण का शिकार होगा या उसके अधिकारों पर किस तरह कुठाराघात किया जा रहा हो। मैं आपसे अपील करूंगा, ये जो सरकार है इसका चरित्र ऐसा है कि ये सिर्फ वोट से डरती है। इस आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। अगर कल के बाद परसों के बाद ये नहीं माने ना तो मैं आपसे कहूंगा कि आप फिर इस आंदोलन को अगले 3 महीने अलग तरीके से चलाएं। मैंने तो अभी इनके ऊपर छोड़ा था कि आपकी बात को मान जाएंगे, लेकिन ये नहीं मान रहे। फिर हमें आंदोलन को बदलना पड़ेगा भाई। जिस आंदोलन से ताकत नहीं मिल रही है, यानी कि दुश्मन हार नहीं रहा, यानी कि हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है। कब तक बैठे रहोगे आप यहां? आपको तो बैठना चाहिए संख्या बल के आधार पर। विधानसभा में आप बैठे हो यहां, आप समझते हो संख्या बल के आधार पर आपको कहां बैठना चाहिए? आप बैठे कहां हो? आपकी संख्या इतनी है उत्तर प्रदेश में कि आपको देने वाला बनना चाहिए, समझ रहे हो? साहब कहा करते थे कि भाई नोटों वाला भी वोटों वालों से हारता है, क्योंकि नोटों वालों में पैसे हैं, लेकिन हमारे पास वोट, वन वोट वन वैल्यू, तो हम अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करते, इसलिए आज हम इस हालात में। तो हमें अपने लोगों को भी जगाना पड़ेगा, और मेरा विश्वास है पिछली बार भी हमने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस बार भी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हम कमजोर नहीं है, आपने साबित कर दिया ना, रोज तो आप जाते हो, कमजोर होते तो डर के अंदर ना बैठते, बाहर क्यों बैठते? लेकिन देखो मेरी बात सुनो, इतिहास को याद करो, कभी कभी कुछ लड़ाई खाली बल से नहीं जीती जाती भाई। आप देखो ना, शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने 56 दिन भूख हड़ताल करी, तब जाके निकम्मी अंग्रेजी सरकार झुकी ना। अगर पहले दिन उनको एहसास हो जाता कि ये 56 दिन तक लड़ सकते तो पहले दिन नहीं मान जाती क्या? वो आपका हिम्मत आपकी ताकत चेक कर रही। और गूंगे बहरे नेता क्या लड़ेंगे आपकी लड़ाई? आप जाते हो वो आपसे फोटो खिंचवाने से भी डरते हैं, आपकी बात तो क्या खाएंगे। मैं आपसे लिख के कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है हम अपने हालात के जिम्मेदार खुद हैं। अगर हम समझदार होते और जिम्मेदार से काम करते हालात थोड़ा ही होते। अब 24 का चुनाव आ रहा है, चुनाव नजदीक, आप चिंता मत करो। अगर आप डटे रहे ना तो ऐसे जैसे प्रधानमंत्री हाथ जोड़े थे ना, आपको याद है किसानों के आगे? अगर मुख्यमंत्री आपके आगे हाथ ना जोड़े तो मैं राजनीति करना छोड़ूंगा। पिछली बार भी 22 का चुनाव नजदीक था, आपको याद है 22 का चुनाव नजदीक था, तो हमने एक आंदोलन में इनको हरा दिया था, यहाँ याद है ना आपको? बाहर नहीं आए थे उस दिन अमरिंदर से, इस बार तो बाहर आएंगे। चाहे ये लखनऊ की जेल बड़ी करा ली, ये भी जेल ही थी पहले, आपको पता नहीं है, ये जो इको गार्ड है ना, पहले जेल हुआ करती थी, पुरानी जेल है। अभी तक आप जेल के अंदर आंदोलन चलाते हैं, अभी इस आंदोलन को बाहर आप ले आए हो। अभी इस आंदोलन को 29 तारीख को विधानसभा लेके जाना है, और उसके बाद अब ये गली गांव मोहल्लों में नगरों में अब इस पर चर्चा करानी है। और ये बताना, जो सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार हमें दे रही, वो अलग से क्या दे देगी? भाई ये जो योजना चलाने की बात करते हैं, पैसा कहां से लाते हैं? आप ही के टैक्स से तो पैसा है, टैक्स का पैसा आपका दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, और फिर भी आपके अधिकार नहीं देना चाह रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, एक तो ठीक है पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस में भी तो नेताओं के बच्चे कहां है पुलिस में, आप बताओ ना। सारे हमारे तो लाठी मारते हुए उनको तकलीफ होती है, उम्र क्या करें, वो जो नौकरी करते हैं सरकार की करते हैं, कल आपकी सरकार होगी आपकी नौकरी करेंगे, समझते हो? सरकार के अधीन है पुलिस, सरकार के अधीन है एडमिनिस्ट्रेशन, सब सरकार के अधीन है। आप सरकार के अधीन नहीं हो, आपके द्वारा सरकार बनती है, आप मालिक हो, बस अपनी शक्ति को समझो, आप जोर लगाओ। हमारे यहां से एक आंदोलन हुआ, हम सब बैल भी गाय भी भैंस भी सब लेके चल गए कारण, आंदोलन तो आंदोलन तरीके से होते हैं, बहुत समझदार लोग भी आंदोलन कामयाब नहीं कर सकते। हमारे यहां तो चौधरी महेंद्र सिंह तक किसानों के बड़े नेता जब आंदोलन करते तो सब जाते थे हुक्का हुक्का, वही चल के समझते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा एक बार तो 29 में उस तरह से लड़ो जिस तरह से लड़ते आ रहे हो, आगे फिर उस तरह से नहीं लड़ना है, आगे तो उस तरह लड़ना है जिस तरह लड़ना चाहिए, समझते हैं समझते हैं? हाँ, और सब कुछ है हमारे पास, अपने संगठन की शक्ति है। मैं तो इसलिए कम आता हूं आप लोगों के बीच में, आपको लड़ते थे, कभी ये कहने लगते हैं कि भाई चंद्रशेखर आपको चला रहे हैं, भाई आप देखो ना, मेरे पास तो एक व्यक्ति यहां होता तो मैं उसको रोज खड़ा कर देता है विधानसभा में,
मैं कहूँ ना तेरा शिक्षक भर्ती के बच्चों को कम याद हो गया, आपने मुझे इतनी ताकत दी थी, अब थोड़ी थोड़ी दी है ताकत, वो अभी बच्चा कह रहे हैं भैया मैंने तो वोट दिए, वोट की लड़ाई नहीं है ना मेरी आपकी, आप सोचो मेरे पास कम अवसर होंगे क्या जब मैं आपके बीच से यहां चला गया ना और मैं मुकदमों जेल से डरता है तो इन्होंने मेरे को गोली चलाई, आप सबको पता लगा हुआ है, तो मैं तो गोली की परवाह करते हुए अगले दिन तीन दिन बाद फिर खड़ा था, अभी भी कौन सी सुरक्षा है मेरे पास भाई, इनके यहां अगर इनके इनके ऊपर गोली चल जाती तो 10-20 लोग लेकर घूमते, मैं तो अभी अकेला घूम रहा हूं, आप समझते हो मौत एक दिन आनी है, कहां से डरना मौत से, ना तो जिंदगी इन्होंने दी है ना ये मार सकते हैं, मौत एक दिन आएगी सुनिश्चित है, और दिन का स्वागत करेंगे हंसते हंसते, लेकिन अपने लोगों को मरने छोड़ो, तुम्हारे जब तुम्हारे ऊपर लाठियां पड़ती हैं तुम्हें अपमान किया तकलीफ नहीं होती होगी, जब हम तुम्हें बहन कहते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती होगी, हम तो जिनको जानते हैं उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं, तुम्हारे तो बीच में रखे गए, तुम्हें तड़पते देखा लड़ते देखा, तुम्हारे आंसू की वैल्यू समझते हैं तुम नहीं, तुम्हें एहसास नहीं होगा जब भी तुम्हारे ऊपर लाठी उठती है तुम्हें अपमानित किया जाता, बहुत दिल दुखता है, लेकिन क्या करें, अगर ऐसा होता कि तुम्हारे अधिकार किसी के दफ्तर में रखे होते तो वो दफ्तर चाहे तोड़ के लिए आते, आप एक मुकदमा दर्ज हो जाता, उसको उठा लेते फाइलों को, लेकिन तुम्हारे अधिकारों के और तुम्हारे बीच में मुख्यमंत्री बैठ गए और हमने वोट देकर शक्ति दी है उनको भाई, अगर हमारे लोग दलित पिछड़े वर्ग के लोग वोट न देते बन जाते क्या मुख्यमंत्री, अपनी खुद की सीट नहीं जीत पाएंगे, समझ रहे हो, सच ये है, लेकिन हमारे लोग गुलाम बन गए गुम्बे बहरे,